हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जान कैंटिंग में। आज हम मसालेदार टेस्टी बैंगन का भरता बनाएंगे। बैंगन का भरता हर किसी को पसंद होता है, तो चलिए बैंगन का भरता बनाना स्टार्ट करते हैं। बैंगन में हम छोटा छोटा छेद करके 4 से 5 कलियां डालेंगे। चारों बगल अलग अलग स्थान पर छेद करेंगे और 4 से 5 कलियाँ बैंगन में हम डाल देंगे और इसे हम पकाएँगे। और इसके साथ में हम टमाटर भी पकाएंगे। अगर आपको ज़्यादा टमाटर पसंद हो तो आप इसमें 2 टमाटर दे सकते हैं। हम 1 टमाटर लिया और इसे अच्छी तरह से हम पका लेंगे। और बैंगन के साथ लहसुन जो होता है ना, तो वो बहुत अच्छा होता है। बैंगन के साथ लहसुन देना ज़रूरी होता है। और देखिए हमारा बैंगन हल्का हल्का पक गया है और टमाटर भी हल्का सा पक गया। अब टमाटर को हम निकाल लेंगे। बैंगन को हमेशा गैस के फुल फ्लेम में ही पकाएं। अगर कम हो जाएगा ना गैस का फ्लेम, तो बैंगन हमारा ख़राब हो जाएगा। देखिए बैंगन हमारा पक गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसमें हल्का सा पानी डाल के, यानी कि इसे धो करके हम लाएंगे। उसके बाद हम छीलेंगे। इसको होता है क्या, धो के लाने के बाद इसमें जब पानी लग जाता है तो छिलका छीलने में बहुत आसान होता है। एक तो ठंडा भी हो जाता है और छिलका छीलने में आसान हो जाता है। देखिए हम धो लिए हैं। अब देखिए कितना अच्छा से छिलका छिला रहा है। हम इसी तरह से पूरा बैंगन को छील लेंगे। ये पूरा बैंगन हम छील लिए हैं। अब हम इसे जो टमाटर जो हम पका के रखे थे उसे भी हम छील लेंगे। चारों ओर से सभी छिलका को हम अच्छी तरह से निकाल देंगे। अब ये छिला गया हमारा। अब बैंगन का जो डंटी है अब इसे हम काट के हटा देंगे और बैंगन को बीच से हम काट के और चारों ओर से फैला के जितना भी हम इसमें लहसुन की कलियाँ डाले हुए हैं और सारी कलियाँ को हम निकाल लेंगे और इसे चीर के देख लेंगे कि अंदर में किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है बैंगन में। और चारों ओर से अच्छी तरह से इसे हम काट लेंगे। बैंगन को लंबा लंबा हम काट लेंगे और चारों ओर अच्छी तरह से बैंगन को काट लेना है, जिससे कि इसको भरता बनाने में हमें आसान हो। और जो हम इसमें लहसुन की कलियाँ डाले थे ना, उसे भी हम इसे मैस लेंगे। अपने हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मैस लेंगे और बैंगन को भी मैस लेंगे और टमाटर को भी हम बैंगन की तरह काट लेंगे। बैंगन की तरह इसे भी पतला पतला छोटा छोटा काट लेंगे, क्योंकि इसे मैसने में आसान होगा। अब स्पून की सहायता से हम इसे अच्छी तरह से सभी को मिक्स कर लेंगे। बैंगन हो टमाटर हो, सभी को अच्छी तरह से स्पून की सहायता से मैश कर लेंगे। देखिए सब अच्छी तरह से मैश हो गया है, टमाटर भी और बैंगन भी सब। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम गैस पे कढ़ाई को पहले से चढ़ा दिए थे, गर्म हो गया। अब उसमें 2 चम्मच के लगभग ऑयल डालेंगे और ये 2 से 3 हरी मिर्च है और 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, और जिसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। और इसे अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। हल्का ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। और मैश किया हुआ बैंगन टमाटर लहसुन हम इसमें डालेंगे और इसमें हम डाल के और इसे अच्छी तरह से हम भुनेंगे। अब हम इसमें सूखा मसाला ऐड करेंगे। इसमें लिए हैं काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून और नमक। इसमें ज़्यादा कोई मसाला नहीं डालना। अगर आपको और भी ज़्यादा मसालेदार चाहिए तो आप इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से हम भुनेंगे और हल्का हल्का जो पानी पैन में रहता है ना, वो पानी इसमें सूख जाएगा। देखिए हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया। ये बैंगन कितना सुंदर बन के तैयार हो गया। यकीन मानिए ये बैंगन का जो भरता है ना, बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप जब भी कभी खाने का मन हो तो आप इस तरह से भरता बना के खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है।